इसके तोड़ने को। तब परशुराम जी कहते, अरे साठ हरी मूर्ख बालक, तुमको ये ज्ञान शिव जी का धनुष और धन ही तुम एक कह रहे हो, तुम लगे कुल्हाड़ी दिखाने, देख रहे हो सहस बाह भुज छेदनिहारा, परश बिलो के महीप कुमारा। अरे राजा के पुत्र, तुम देख रहे हो ये कौन कुल्हाड़ी है, कौन परशु है, सहस बाह भुज छेदनिहारा, सहस्र बाहु की भुजाओं को काटने वाली कुल्हाड़ी है। कुल्हाड़ी के टांगा कहेंगे ये वह परशु है, इसको देखो देखो, देख करके शायद नहीं समझो, मैं सुना रहा हूँ कि इसी ने सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को काटा, अनेक बार इस पृथ्वी पर से मैं क्षत्रियों को काट कूट करके ब्राह्मणों को राज्य दिया, ऐसा बोलते हैं। अस्तर परशुराम जी ने ब्राह्मणों को राज्य दे दिया क्षत्रियों को मार करके, पर ब्राह्मण लोग बेकार थे, राज्य चलाने में समर्थ नहीं थे, तो फिर भगवान ने राज्य दे दिया क्षत्रियों को। ये कथा है श्रीमद् भागवत में, तो उसकी याद दिला रहे कि ये कुल्हाड़ी है इसे मैंने काटा है क्षत्रियों को। तो परशुराम भगवान लक्ष्मण जी कहते हैं, देखिए इस तरह से कुल्हाड़ी मत दिखाइए, आपको मैं इसीलिए क्षमा अब तक कर रहा हूं कि जनेऊ लगाए हैं, पचन ब्राह्मण है बेचारे, ब्राह्मण को नहीं मांगना चाहिए, विप्र समझ करके मैं कुछ नहीं कर रहा। तो परशुराम जी तो और दग्ध हो गए, आज दया दुख दुसह सहावा, आज मैं दया के कारण ये सब सह रहा हूँ, दया ये दुख सहवा रही है, अर्थात दया के कारण तुमको नहीं मार रहा। तो लक्ष्मण जी कहते हैं, दया होने पर इतना क्रोध हो रहा है, तो क्रोधित हो जाएंगे तो क्या होगा, दया कर रहे हैं, दया करके एक राजपूत का वध नहीं कर रहे, लक्ष्मण जी का वध नहीं कर रहे, ये बोल रहे हैं, आज दया दुख दुसह सहावा, ओह दया ने आज बहुत दुख सहवा दिया। अजीब अजीब भाषा है, अगर दया आ रही है इसलिए नहीं मार रहा हूँ, यही दया है, इस तरह से पटांग बोल रहे हैं, ये कर रहे हैं। धनुष तोड़ने की बात कह रहे, तो इस तरह से बहुत बातें हुई, अंत में भगवान परशुराम जी समझ गए कि ये तो साक्षात परब्रह्म है, भगवान है, अवतार लिए हैं, उसकी पहचान थी, उनके पास जो धनुष था उसके विषय में कहा गया था कि यह धनुष अपने आप जिसके पास चला जाएगा तो वही साक्षात भगवान होंगे, ये समझ लेना, और उसके बाद तुम तपस्या करना, लड़ाई झगड़ा बंद करने में। तो इस संदेह को मिटाने के लिए भगवान कहे भगवान श्री राम से कि ये धनुष लो, तो मेरा संदेह मिट। तो धनुष देने लगे, धनुष अपने आप भगवान राम के पास चला गया, तो उनका संशय मिट गया, और भगवान राम को प्रणाम किए, अनेक बार जय जयकार किए, और इसके बाद वन में चले गए मलयगिरी में तपस्या करने के लिए। आज तक वे तपस्या में निरत हैं, और अब कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, शांत शांत भगवान है, लेकिन लोक में दिखा रहे ऐसे भजन करना चाहिए। नहीं महेंद्र पर्वत पर वही भीष्म पितामह के धनुर्विद्या के गुरु थे, कर्ण के भी गुरु वही थे, कई लोगों को धनुर्वेद सिखाते हैं, स्वयं युद्ध नहीं करते, कर्ण को घुमा दिया भगवान ने, घुमा करके पटक दिया, पहले ही मार चुका था, और गजपति को गजों में जो सरदार था कुल्ला पीर,
उसकी पूंछ पकड़ करके घुमाते रहे और सूंड पकड़ करके और अंत में उसको पटके अपना एक लात दिए उसके कंधे पर, एक दांत उखाड़ लिए उसके, दांत उखाड़ करके उसी दांत से उसको पीटने लगे। तो जब बलराम जी ने देखा कि कृष्ण एक दांत उखाड़ा है तो दूसरा दांत वो भी उखाड़ लिए और वो भी पीटने लगे। कुबला पीड़ मर गया, उसका लाश अलग कर दिया, गेट खुल गया। उसी रास्ते से कृष्ण बलराम दोनों प्रवेश किए और हाथी दांत ले लिए थे अस्त्र के रूप में, सभा में प्रवेश किए। हाथी को मारते समय तो श्री नंद महाराज देखे नहीं थे, तो सभा में पहले ही बैठ गए थे। किसी ने कहा था कि बाबा आप लोग चलिए सीट लीजिए, हमको तो कहीं भी मिल जाएगा सीट, लेकिन आप लोगों को कठिनाई पड़ेगी, और पहले चले जाइए पहले। वे नहीं चाहते थे कि नंद बाबा देखे कि ये लोग हाथी से लड़ाई किए, तो नंद बाबा बहुत घबराते या कह देते कि क्या जाने की ज़रूरत है, छोड़ दो रास्ता बंद है तो इधर ही रह जाते, जाने की जरूरत नहीं है, खतरा है। जब मूल गेट पर ही हाथी तिरछा खड़ा किया गया था, कृष्ण जाकर के महावत से कहे कि एम्बस्ट, महावत हाथी को अलग करो, रास्ता साफ करो, और नहीं अगर तुमने नहीं किया तो तुमको और हाथी को दोनों को जमराज के यहाँ भेज देंगे। वो तो मारना ही था, उसमें क्रोध पैदा करना था। इतना सुनते ही एम्बस्ट हाथी का चलाने वाला महावत, काल के समान भयानक हाथी को प्रेरित किया कृष्ण को मारने के। तो यदि नंद बाबा होते वहाँ तो कृष्ण को रोक दिए होते, क्या जाने की जरूरत है, छोड़ चलो ब्रज में लौट जाओ, नहीं जाना। अपने बेटा को लेकर के लौट जाते तो कोई जबरदस्ती थोड़े करता कि नहीं नहीं रहो। कंस भी बड़ा धूर्तता से उनको बुलाया था अक्रूर जी के द्वारा। तो भगवान नहीं चाहते थे कि नंद बाबा का हृदय घबराए और वे हमको लीला करने से रोक दें, रोक सकते थे ना, इसलिए पहले भेज दिए, जाकर आप लोग सीट लीजिए, राजा कंस आपके लिए रखा होगा सिंहासन या कुर्सी जो भी रखा, लिखा भी होगा ब्रजवासी ब्रजवासी जन यहाँ बैठेंगे। कृष्ण बलराम पे तो स्पेशल सीट था, कृष्ण बलराम बैठे, तो इनको जाने में तो कोई दिक्कत नहीं थी। परंतु जो मुख्य अतिथि थे कृष्ण बलराम, वे रास्ते में न आवे हाथी ही मार दे दोनों को, कंस इसकी व्यवस्था किया था। कहा भी था कि महाराज सुनो, हाथी को ऐसे जगह खड़ा करना जहाँ निकलने की जगह ना हो गेट पर, दोनों आएंगे बस हाथी को प्रेरित करके उनको चिरवा देना, मार देना। तो इसीलिए मैं ये याद करूँगी, नंद बाबा कुबलिया पेड़ हाथी के बध को नहीं देखे थे, पर सुने तुरंत वही लोग हल्ला कर रहे थे कि हाथी को मार दिए, लोग हाथी को मार दिए। उसका प्रमाण ये था कि दोनों हाथी का दांत लिए लिए प्रवेश किए, उसको तो नंद बाबा ने देखा था। हाथी दांत लिए हुए, हाड़ टांगे हुए दोनों भाई प्रवेश किए, फिर भी बहुत सुंदर लग रहे थे। हाथी का दांत महंगा होता तो उसको क्यों छोड़ दे, लिए लिए ही प्रवेश किए। ये सब लीलाए नंद बाबा ने देखा था। ताल त्रय महासार, और जो धनुष तोड़े थे उसके विषय में कुछ कह रहे हैं, तो हम यहीं पर बात बंद करते हैं। नंद बाबा रात भर बोलते रहे और उद्धव जी भी रात भर जवाब देते रहे, दोनों सोए नहीं, वो रात ऐसे ही बीत गए कृष्ण की वार्ता करने में। शेष प्रसंग को कल कहा जाएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।